अजय देवगन और साउथ स्टार किच्चा सुदीप के बीच एक मुद्दे को लेकर छिड़ी जुबानी जंग। दोनों के बीच ट्विटर पर जमकर ट्वीटबाजी हुई। बात सुदीप किच्चा के एक बयान को लेकर शुरू हुई थी। दरअसल कुछ समय से साउथ फिल्मों की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद उनका हिंदी फिल्मों से बड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर भी हिंदी से ज्यादा साउथ की फिल्में चल रही है। इसी बीच कन्नड़ा स्टार किच्चा सुदीप ने हिंदी भाषा को लेकर बड़ा कमेंट कर दिया था। दरअसल एक इवेंट में किच्चा ने साउथ फिल्मों को मिल रही जबरदस्त सक्सेस को लेकर कह दिया था कि हिंदी अब नेशनल भाषा नहीं है। उन्होंने कहा था कि साउथ नहीं बल्कि बॉलीवुड अब पैन इंडिया फिल्में बना रहा है। बॉलीवुड वाले तेलुगु और तमिल फिल्में डब कर रहे हैं, फिर भी सफल नहीं हो रहे। अब किच्चा के स्टेटमेंट पर अजय देवगन का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने किच्चा पर तंज भी कसा। अजय देवगन ने ट्वीट किया, किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके मुताबिक अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जन गण मन। मतलब अजय देवगन के इस ट्वीट के जवाब में किच्चा सुदीप ने लिखा, हेलो अजय देवगन सर, जिस प्रसंग में मैंने वो बात कही थी शायद आप तक बिल्कुल अलग तरह से पहुंची है। जब आपसे पर्सनली मिलूंगा तब बताऊंगा कि वो स्टेटमेंट क्यों दिया था। ये हर्ट करने, उकसाने या कोई बहस शुरू करने के लिए नहीं था। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? सुदीप आगे लिखते हैं, मैं देश की हर भाषा से प्यार और उसका सम्मान करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक यही खत्म हो जाए, क्योंकि वो लाइन मैंने एकदम अलग कॉन्टेक्स्ट में कही थी। आपको हमेशा बहुत प्यार और शुभकामनाएं, उम्मीद करता हूँ जल्द मिलेंगे। मिल किच्चा सुदीप ने एक और ट्वीट में लिखा था कि अजय देवगन सर, आपने जो टेक्स्ट हिंदी में भेजा वो मैं समझ गया। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सब ने हिंदी का सम्मान किया, प्यार दिया और इसे सीखा। बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन सोच रहा हूँ कि क्या होता अगर मैंने कन्नड़ में जवाब दिया होता। क्या हम भी भारत के नहीं है सर? बता दे कि किच्चा सुदीप के इन ट्वीट्स के बाद अजय देवगन ने लेटेस्ट ट्वीट में लिखा कि हाय सुदीप किच्चा, तुम दोस्त हो, गलतफहमी दूर करने के लिए शुक्रिया। मैंने फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा एक समझा, हम सबकी भाषा का सम्मान करते हैं और सबसे उम्मीद करते हैं कि हमारी भाषा का सम्मान करे। शायद समझने में कुछ रह गया। बस दोनों के बीच का ये ट्विटर वॉर अब चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में आशा करते हैं कि ये मुद्दा सुलझ जाए और आगे ना बढ़े। फिलहाल दोनों के इन ट्वीट्स पर आप हमें बताएं अपनी राय।